हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने आईब्रोज और अपने आईलैशेस को थिक यानी कि घना बना सकते हैं। कई लोगों की पलकें काफी पतली होती है या फिर ये बहुत जल्दी झड़ने लगती है। इसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर या फिर हार्मोनल चेंजेस या फिर एजिंग यानी कि उम्र के साथ साथ भी ये झड़ने लगती है, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, या फिर अगर आप मेकअप वगैरह अप्लाई करते हैं लेकिन उसको रात में निकालते नहीं है, या फिर सबसे कॉमन प्रॉब्लम जैसे कि अगर हमारे आंखों में कुछ चला जाता है या फिर हमारी आंखों में इचिंग होने लगती है तो हम उसको ऐसे ऐसे घसने लगते हैं। इससे ना सिर्फ आपकी पलकें झड़ती है बल्कि इससे आपके डार्क सर्कल्स भी आते हैं, क्योंकि ऐसे रब करने से हमारी स्किन में फ्रिक्शन पैदा होता है जो हमारी स्किन को डार्क बनाता है। अगर मैं बात करूं आईब्रोज की, तो ये हमारे फेस को डिफाइन करता है। जरा सोचिए, अगर हमारे फेस पे आईब्रोज ही ना रहे तो हम कैसे दिखेंगे? हम बिल्कुल कांचा चीना जैसे दिखेंगे, जो कि हम नहीं चाहते। इनफैक्ट हम ये चाहते हैं कि हमारी आईब्रोज और हमारी आईलैशेस नेचुरली लॉन्ग और थिक रहे, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारी आंखों की खूबसूरती को बढ़ाती है बल्कि ये हमारे फेस को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनाता है। तो जिनके आईब्रोज या फिर आईलैशेस घने नहीं हैं, तो डोंट वरी, क्योंकि आज मैं जो आपको सोल्यूशन दूंगी वो 2-in-1 है, यानी कि इसको यूज करके आप अपने आईब्रोज और अपने आईलैशेस दोनों को ही लॉन्ग, थिक और वॉल्यूमिनस बना सकते हैं बस कुछ ही दिनों में। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो रेमेडी क्या है, सो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा कैस्टर ऑयल, 2 से 3 बड़े चम्मच कैस्टर ऑयल के। कैस्टर ऑयल आज का हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, इसको आप किसी और चीज से सब्स्टिट्यूट नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें ओमेगा 9 फैटी एसिड है यानी कि रिसिनोलिक एसिड है। ये हमारी आईब्रोज और आईलैशेस की हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और हमारे हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाता है। ये हमारी स्किन में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारी जड़ों में जाके हमारी हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। ये न सिर्फ हमारी हेयर ग्रोथ बढ़ाता है बल्कि हमारे होने वाले फ्यूचर हेयर लॉस को भी कम करता है। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूंगी 1 बड़ा चम्मच कोकोनट ऑयल का। यहाँ पे मैं वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ क्योंकि ये 100% प्योर और अनरिफाइंड होता है। लेकिन अगर आपके पास वर्जिन कोकोनट ऑयल नहीं है और क्योंकि हम इसको अपने आईब्रोज और आईलैशेस यानी कि अपने बालों पे अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए आप पैराशूट या फिर कोई दूसरी ब्रांड का कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल में एसेंशियल प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें विटामिन ई और सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो हमारी आईब्रोज को हेल्दी, थिक और डार्क बनाता है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी आईब्रोज और आईलैशेस की जड़ों को स्ट्रांग बनाता है, हेयर फॉलिकल्स के डैमेज को रिपेयर करता है, बालों के झड़ने को रोकता है और हमारे आईब्रोज और आईलैशेस को थिक और डार्क बनाता है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे आमंड ऑयल, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी विटामिन ई के कैप्सूल्स डाल चुके हैं। लेकिन क्योंकि मैं इसको अपने पर्सनल यूज के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसमें 1 चम्मच आमंड ऑयल हमेशा ऐड करती हूँ, क्योंकि इसमें विटामिन ई के साथ साथ एसेंशियल फैटी एसिड्स है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, जो हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं, जिससे न्यू हेयर बहुत ही आसानी से आते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच एलोवेरा जेल का। क्योंकि हम ये ऑयल को बहुत दिनों तक स्टोर करके रखने वाले हैं, इसलिए आप इसमें नेचुरल एलोवेरा जेल नहीं यूज करें। आप इसमें कोई भी पतंजलि का या फिर कोई दूसरे ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। एलोवेरा का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिमिलर है केराटीन से। केराटीन हमारे बालों को रिजुवनेट करता है, हमारे बालों की इलास्टिसिटी को मजबूत करता है और इन्हें झड़ने से रोकता है। इसमें प्रेजेंट एंजाइम्स और इसकी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज से हमारे हेयर फॉलिकल्स नरिश्ड रहते हैं और हमारे आईब्रोज और आईलैशेस जल्दी बढ़ते हैं और घने बनते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला रेडी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको लगाना कैसे है। सबसे पहले आप अपना फेस क्लीन कर लीजिए, स्पेशली अपनी आई एरिया को। अब ऑयल अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास कोई क्लीन मस्कारा वॉन्ड है तो आप वो यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उस पर कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। इसे आप ऑयल में डिप करके जैसे हम मस्कारा लगाते हैं वैसे लगाएं अपनी आईलैशेस पे। इसे अपनी पलकों की जड़ों से अप्लाई करें, अपर और लोअर लैशेस दोनों पे भी, और ऐसे ही अपने आईब्रोज पे भी लगाएं। लेकिन रेगुलर बेसिस पे मैं या तो कॉटन बॉल या फिर अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करती हूँ। अपनी रिंग फिंगर पे थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए, उसे रब करें और इसे अपने आईलैशेस और अपने आईब्रोज पे लगाएं। अब धीरे धीरे हल्के हाथों से इसे मसाज करें अपनी आईलिड्स और अपने आईब्रोज पे। मसाज करने से हमारी आईब्रोज और आईलिड्स पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। आप चाहो तो इसे अपने पूरे आंखों पे भी मसाज कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके डार्क सर्कल्स और रिंकल्स भी कम हो जाएंगे। अब ऐसे ही आप 2-3 मिनट तक मसाज करते रहे और इसे रात भर छोड़ दें। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसका रिजल्ट आपको रातों रात नहीं मिलेगा,
जो भी अगर आपको ये चीज बोलता है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जो आपकी आईब्रोज और आईलैशेस की ग्रोथ को एक दिन या फिर एक हफ्ते में बढ़ा देगी। ये अभी तक की सबसे इफेक्टिव रेमेडी है। इससे भी अच्छी कोई रेमेडी जिस दिन मुझे मिलेगी उस दिन मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए ये सबसे बेस्ट है। इसका रिजल्ट आपको एक दो हफ्ते में दिखना स्टार्ट होगा, लेकिन कंटिन्यूसली 2 महीने तक यूज करने से आपकी हेयर ग्रोथ 100% बढ़ जाएगी और आपके आईब्रोज और आईलैशेस थिक और डार्क हो जाएंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और अगर आप मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, ये आपके लिए टोटली फ्री है। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।